इसी पर मैं आना चाह रही थी मान साहब, कि सारे आपके जो हमले थे कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार पर, क्या अब वो सारे आपके मुद्दे आपके हाथ से छिन नहीं गए? क्योंकि अब ये तो नई सरकार आ गई है, कांग्रेस की ही नई सरकार, चन्नी सरकार, जितने हमलावर आप लोग उतने ही हमलावर तो नवजोत सिंह सिद्धू रहे इस सरकार पर, तो क्या फर्क है आप में और नवजोत सिंह सिद्धू में? एक गाड़ी जा रही है, ट्रेन जा रही है, जिसमें डिब्बे 17 डिब्बे हैं और डिब्बों में लूट मची हुई है, उसमें जो लुटेरे हैं वो लूट रहे हैं सवारियों को, और अचानक से पता चल जाता है कि ये हमारी जो लूट है वो पब्लिक में चली गई, उसका इंजन बदल दोगे क्या? गाड़ी ईमानदार हो जाएगी? इंजन बदल दिया, डिब्बों में तो लूट वही जा रही है, अलीबाबा बदल दिया, वो बाकी जो 40 हैं वो तो वही हैं, आधी कैबिनेट पर आरोप लग रहे हैं। नवजोत सिद्धू यही कह रहे हैं ना कि आधी कैबिनेट जो है वो ही है जो पहले थी, जो निकाले गए थे, जिन पर आरोप लगे थे भ्रष्टाचार के, माइनिंग के, वही है फिर, अब क्या करोगे फिर? तो इसका मतलब ये है कांग्रेस जो है वो एक नाम बदलकर 4.5 साल की जो कमियां हैं उसको छुपाना चाहती है। कहां गई घर घर नौकरी? कहां गया किसानों का सारा कर्जा माफ प्राइवेट बैंकों का भी? कहां गए स्मार्टफोन? कहां गए 2500 रुपये बुढ़ापा पेंशन? अब 2 महीने रह गए, दो महीने देखो आज हो गई चार अक्टूबर हो गई, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 20-25 तक के आसपास कोर्ट लगेगा, 2.5 महीने रह गए, 2.5 महीने मीन्स 80-82 दिन, 80-82 दिन में से कम 15 से 20 दिन तो चन्नी साहब को दिल्ली बुलाया जाएगा, हर दूसरे दिन दिल्ली जाते हैं वो, ठीक है ना? तो 15 से 20 दिन वो गए, फिर नवजोत सिद्धू के ट्वीट भी आएंगे, ठीक है ना, उन ट्वीटों को सेट करने में भी टाइम लगेगा, तो इसका मतलब तो इनके पास कुछ खास टाइम नहीं बचा, काम करने के लिए तो टाइम है ही नहीं, अभी तो ये रीसेट कर रहे हैं कि हमें काम तो करने दो। ABP News आपको रखे आगे।